हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी और भी कोई वीडियोस देखी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल में तो आपको पता होगा कि मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड मुझे इस बिजनेस को करते करते सीखते सीखते एक बहुत ही अच्छी मेरी एक हॉबी डेवलप हो गई है, वो है बुक्स पढ़ने की। तो रिसेंटली मैं एक तरीके से अपने बिजनेस के लिए एक बाइबल समझता हूँ एक बुक को, जो कि बुक है यू कैन सेल बाय मिस्टर शिव खेरा। ये बुक आपको दिख रही होगी, यू कैन सेल। सो इस बुक में मिस्टर शिव खेरा ने बहुत अच्छी बात एक लिखी है कि फियर ऑफ फेलियर, ये जो फेल होने का जो डर है ना, ये एक तरीके से गारंटी दे देता है कि आप पक्का फेल होने वाले हैं। देखिए, चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, जब कस्टमर आता है और कस्टमर को जब आप कुछ अपने कस्टमर को या अपने प्रोस्पेक्ट को जब अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने सर्विस के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, कहीं ना कहीं एक फेलियर का फियर होता है, एक डर होता है कि यार ये जो कस्टमर है क्या मेरा प्रोडक्ट यूज़ करेगा, क्या ये प्रोडक्ट खरीदेगा, क्या ये मेरी सर्विसेज करे लेगा कि नहीं लेगा। तो ना ये जो फियर होता है आपके अंदर, वो फियर कस्टमर से मिलने से पहले होता है। जितना ज़्यादा ये जो डर होता है कस्टमर से मिलने से पहले कि पता नहीं वो मेरा प्रोडक्ट लेगा कि नहीं, उतना ही ज़्यादा आदमी ना सोचने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है, वरी जिसको बोलते हैं। जितना ये सेल्समैन बार बार सोचता है ना कि क्या पता मेरा प्रोडक्ट ये लेगा कि नहीं लेगा, उतना ज़्यादा वो चिंता करने लग जाता है और वो चिंता धीरे धीरे करके फेलियर में डेफिनेटली कन्वर्ट हो ही जाता है। ओके, सो मिस्टर शिव खेरा ने बड़े अच्छी तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है कि जब आदमी एक बार फेल हो जाता है, देखिए आप जितने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके प्रोडक्ट लेगा या आपके साथ आपके बिजनेस में आएगा, चाहे कितने भी बड़े आप लीडर क्यों ना हो, 100% प्रोस्पेक्ट नहीं आते हैं आपके साथ, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो। सो जितना ज़्यादा फेल होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आपके प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट करते हैं, ओके, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक जो फेलियर आता है ना, उतना ज़्यादा लोगों का सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस कम होता रहता है। जितना ज़्यादा ये फेलियर और रिजेक्शन मिलता है ना, उतना आदमी अपने आप को डाउट करने लग जाता है और बोलने लग जाता है यार ये कंपनी बेकार है, ये बोलने लग जाता है यार प्रोडक्ट बेकार है, ये बोलने लग जाता है जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे लोगों की स्पेंडिंग पावर अच्छी नहीं है, जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर लोग मेंटल लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव सोचते हैं, वो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाता है क्योंकि उसको 2-3 फेलियर मिल गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना, आपको सिर्फ इस फियर ऑफ फेलियर को फियर ऑफ फेलियर से बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दैट इज ट्रेनिंग। अगर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, दे ऑलवेज फोकस कि आप ट्रेनिंग में आइए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ये पता है कि आप डेली अपने प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं और डेली आपको लोग मना कर रहे हैं, और जब आपको डेली लोग मना कर रहे हों आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो, इसलिए हर कंपनी ये बोलती है कि आप हमारी ट्रेनिंग्स में रेगुलरली आते रहिए। अगर कोई कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, अगर कोई कंसिस्टेंटली उस माहौल में नहीं है, देन डेफिनेटली आप मार्केट में उतर रहे हैं, आपको रिजेक्शन मिलता रहेगा, जो कि मिलेगा, हर बिजनेस में मिलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस आपको नहीं पता चल रहा बट वो लूज होते जा रहा है। आप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, मेरे को भी बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, बहुत सारे लोग मना करते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहा हूँ, बट जो मोटिवेशन, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मोटिवेशन कंटिन्यू कैसे रहता है, कॉन्स्टेंट मोटिवेशन कैसे रहता है, सिर्फ कुछ अच्छी किताबें पढ़ के और ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व रहकर, ठीक है। तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ से आपको कुछ अच्छे शब्द मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम जो आपने गलतियाँ करी उसको ठीक करने का एक मौका मिलता है, राइट। सो अगर आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक तरीके से फेलियर तो मिलेगा, रिजेक्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके, गेट यूज टू इट, बट एट द सेम टाइम अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। ये तब कम नहीं होगा जब आप अपने आप को रेगुलरली अपडेट करते रहें, भले आप YouTube की वीडियो देखें, भले आप बुक्स पढ़ें या भले आप ट्रेनिंग्स में जाएं, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा, कंटिन्यू करते रहिए, फेलियर होता रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आपके पास एक मौका है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, सो दैट आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, सो दैट आपके बिजनेस में आपको हेल्प हो पाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।